myself Mayank. तो अपनी पोइट्री स्टार्ट करने से पहले मैं दो लाइनें कहना चाहूँगा सब क्या तुम लोगों की बातें कर रहे हैं। तो इसी पे एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा कि एक बार किसी जिंदगी से जूझ रहे शायर से कोई पूछता है कि कभी तुम्हें प्यार हुआ है, तो उसका जवाब सुनिए कि भैया ये प्यार वार सब मेरी समझ से बाहर है, ये प्यार वार सब मेरी समझ से बाहर है क्योंकि मेरे कंधों पर मेरी माँ की उम्मीदों का भार है, क्योंकि मेरे कंधों पर मेरी माँ की उम्मीदों का भार है। अगर पड़ गया इस प्यार के चक्कर में, अगर बढ़ गया इस प्यार के चक्कर में तो शायद कहीं और ही उलझ जाऊंगा। सपनों को पीछे छोड़ व्हाट्सएप पर उसके मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं। मेरी कविता का शीर्षक है शाम-ए- गुफ्तगू। गुफ्तगू तो आप सभी जानते हैं बातचीत, तो बस इसी के ऊपर कुछ लाइनें लिखी हैं, बहुत नुमाएगा। ये गुफ्तगू की शाम है, ये गुफ्तगू की शाम है, ये शाम की है गुफ्तगू, ये गुफ्तगू की शाम है, ये शाम की है गुफ्तगू। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, ये दिल मेरा नादान है, ये दिल मेरा नादान है कर बैठा उसके प्यार में, ये दिल मेरा नादान है कर बैठा उसके प्यार है, ये दिल मेरा अनजान है कहने को बेकरार है, पर समझ में नहीं आ रहा इसकी सुनूँ मैं क्या करूँ, ये गुफ्तगू की शाम है, ये शाम की है, ये दिल कहने को तैयार है, कहने को तैयार है बस उस पल का इंतजार है, ये दिल कहने को तैयार है बस उस पल का इंतजार है। सच कहूँ तो हर लफ्ज में, सच कहूँ तो हर लफ्ज में उसी का एतबार है, ये गुफ्तगू की शाम है, शाम की है गुफ्तगू, ये जान ये दिल जानने को बेकरार है क्या छिपा उसके दिल में। कुछ बातें थी दिल में यूं, कुछ बातें थी दिल में यूं जो उसको समझानी थी, कुछ अरमान थे कुछ ख्वाब थे जो उसको बतलाने थे, बस अब तो उस पल का इंतजार है, ये दिल जानने को बेकरार है क्या छिपा उसके दिल में, ये गुफ्तगू की शाम है, शाम की है।